नगर निगम भिलाई के 5 जोन के सफाई कर्मियों ने निगम मुख्यालय में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने नेहरू भवन सुपेला से पैदल मार्च निकाला और निगम गेट के पास पहुंचकर सफाई ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन सभी सफाई कर्मियों की मांग है कि उन्हें समय पर वेतन मिले और ईएसआई की पर्ची व पीए अकाउंट में बराबर रुपए जमा होना चाहिए। आपको बता दें कि नगर निगम भिलाई के सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। हर माह इनका वेतन समय पर नहीं मिलता, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसे लेकर लगातार सफाई कर्मियों के पक्ष में श्रमिक नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को 5 जोन के सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पैदल मार्च करने के साथ निगम के खिलाफ नारेबाजी की। निगम के गेट के सामने पहुंचकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता जयप्रकाश नायर ने कहा कि निगम में सफाई कर्मियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जब से नया ठेकेदार आया है, सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। दो दो माह का वेतन पेंडिंग है। वेतन की मांग करने पर बिल रुके होने का बहाना दिया जाता है। नगर निगम की जो तमाम सफाई मजदूर है, जो तमाम जोनों में अलग अलग ढंग से काम करते हैं, सफाई का काम, नाली का काम, घर से कचरा उठाने का, पिछले जनवरी से नगर निगम ने एक ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया है, पीवी रमन, जिसके खिलाफ में इससे पहले भी लगातार शिकायतें आती रही है कि पीएफ को लेकर तकरीबन करोड़ों रुपए का मजदूरों का पीएफ का घोटाला उसने किया। इसकी जांच यूनियन की तरफ से मांगी गई थी, उसको सिवनी का केस भी चल रहा है। ईएसआई का पैसा मजदूरों का लगातार जमा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने लगातार पत्रों के माध्यम से नगर निकाय की तरफ से हम लोगों ने मांग किया है और हर बार हम लोगों को यही आश्वासन मिलता रहा है कि पीएफ की जांच होगी, पीएफ मजदूरों को विधिवत जमा किया जाएगा, ईएसआई का तमाम लोगों को हम जो है पर्ची बना के देंगे। लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारी लड़ाई का है। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा लड़ाई का है कि मजदूर जो है 30 दिन 26 दिन काम करता है। काम करने के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार का श्रम कानून कहता है कि मजदूरों को जो है 10% वेतन दे दिया जाना चाहिए, लेकिन पिछले जब से ये ठेकेदार आया है तब से मजदूरों का वेतन जो है 15 तारीख 20 तारीख 22 तारीख 25 तारीख 26 तारीख 28 तारीख ऐसा वेतन मजदूरों का टुकड़ों टुकड़ों में ये ठेकेदार कर रहा है और कुछ मजदूरों का 2-2 3-3 महीने का वेतन तक उन्होंने नहीं दिया। लगातार इसको लेकर हम लोगों ने विधिवत ढंग से, संवैधानिक ढंग से इसको लेकर चर्चा में लेके गए हैं, निगम आयुक्त के सामने बात को रखा है हम लोगों ने, लेकिन आज तक ठेकेदार के खिलाफ में किसी प्रकार का कोई कार्रवाई। हम लोग पेमेंट के मामले को लेकर आज हम लोग काम बंद आंदोलन की ओर हैं। हम लोग लगातार इस चीज के लिए कमिश्नर के पास, लोकेश चंद्राकर जी के पास गए थे, तो लोकेश चंद्राकर जी हम लोग को बयान दिया कि मैं तुरंत ठेकेदार को उसको फटकार लगाता हूँ और आप लोगों को जब पेमेंट रुका हुआ है जुलाई महीने का, उसके लिए भी मैं तुरंत फटकार लगाता हूँ। हम लोग 14 तारीख को लोकेश चंद्राकर जी को मिले थे, तो वो उसने वही आश्वासन हमको दिया, तो हम लोग फिर काम के लिए चले गए। उसके बाद हम लोग फिर मिले ठेकेदार को, शनिवार को फिर कॉल किया गया, शनिवार को दिए जस्ट अभी जो गया ठेकेदार पीवी रमन को बोला गया कि 40-50 वर्करों का जो पैसा रुका हुआ है वो पेमेंट आप डाल दीजिए वर्करों का, वो संवैधानिक ढंग से उसका अधिकार है, 2 महीना से वो क्या करेगा, वो 10% 20% ब्याज में कर्जा लेके वो अपना राशन घर का चला रहा है, तो उसको बोला गया, तो वो आश्वासन दिया कि आज दोपहर तक पेमेंट डल जाएगा। संडे हो गया तो भी पेमेंट नहीं डला, आज सोमवार है तो भी आज उसका पेमेंट नहीं डला है। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी।